नमस्कार दोस्तों, जैन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और एग्जाम में इसके क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे वो अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो अपन ने देखा था तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि आपके कुछ रेजिस्टेंस इस प्रकार से कनेक्ट हो गए थे कि जहां पर अपन समझ नहीं पा रहे थे कि यार ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है या सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उनको सॉल्व करने के लिए भी अपन क्या पढ़ते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं। ये सबसे पहले जो लाइन आती है एग्जाम में पूछे जाने वाली, वो यही लाइन बनती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम आता है। तो आप नोट करके लिख लें कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किस लिए? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। किया जाता है। ये याद रखें कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किस लिए किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग अपन नहीं करेंगे। ओके, अब अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है जिसमें आप कंफ्यूजन होते हो, तो वो भी मैं बताता हूं कि आपका एक क्वेश्चन पूछा भी गया ध्यान ना कि इंसुलेशन क्या चीज होती है। ये होता है आपका कूचालक। इंसुलेशन का मतलब होता है जो आप तार होती है, वायर होता है, उसके ऊपर आपके रबड़ चढ़ा होता है, उसको इंसुलेशन बोलते हैं। तो कई बार रहता है कि इंसुलेशन कूचालक का प्रतिरोध मेजर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। मेजर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये दो बातें ध्यान रखें कि अगर आपका इंसुलेशन का प्रतिरोध पूछ लिया जाए तो मेजर टिक करके आना है। मेजर एक प्रकार का मीटर है जो अपन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, मैं उसमें पढ़ाऊंगा आपको। पर मैं बता देता हूं कि एक बार आप लाइन में कंफ्यूजन ना हो जाए, मैंने इसीलिए दोनों लाइन लिखी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और दूसरी लाइन है कि इंसुलेशन का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मेजर का यूज किया जाता है। जो ये कई बार अपन क्या करते हैं, इंसुलेशन लाता है जो मेजर में करके हैं, इसीलिए मैंने दोनों लाइन लिखवाई है। आप भी इसको नोट कर लें, इसके बाद अगर पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है तो देखें कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या और व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। तो इससे पहले अपन क्या करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे दिखता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो दिखेगा आपका चतुर्भुज की तरह दिखेगा, इस प्रकार का आपको आकृति दिखाई दे। तो ये होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां पर बीचों बीच एक 1 किलोमीटर लगा हुआ, यहां से इसको मैं सप्लाई दे देता हूं। ये लो, ये वी वोल्टेज में सप्लाई दे रही है। इस टाइम अपन ने माना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की आकृति तो अपने दिखाई दे रही है। जो ये रेजिस्टेंस है इसका नाम है पी, और ये क्यू, और ये आर, और ये एस। तो ये हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम। अब क्या करना है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का पूछा जाता है। वो कैसे अपन सॉल्व करेंगे उसको बताता हूं मैं। तो आपके जो डायग्राम वगैरह मिलेंगे वो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर न देकर आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ होगा। ओके, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका गैल्वेनोमीटर जुड़ा है या आपका रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो अभी अपन करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का एक फॉर्मूला, देखते हैं कैसे कि आपका जो पी है, पी अपॉन क्या लिखना है, क्यू इक्वल आर अपॉन
एस। ये जो आपका फार्मूला है वो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का। अभी अपन जो इसका ज्यादातर यूज होता है वो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है, मतलब कहने का कि आपके जो ये चार प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं इनमें से तीन की वैल्यू तो आपको गिवन होगी, मतलब दी जाएगी, एक की वैल्यू पूछी जाती है, तो जो अपने पूछी जाएगी तो इस फार्मूले के द्वारा अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब आगे अपन देखते हैं कि आपकी किताबों में कई बार गैल्वेनोमीटर, वैसे गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है ये सुन ले। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डायरेक्शन दिखाएगा कि करंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब क्या होता है कि अपने पास गैल्वेनोमीटर की जो डायरेक्शन जीरो पर रहनी चाहिए, तो गैल्वेनोमीटर में जो सुई होती है, निडल होती है, वो बिल्कुल सेंटर में रहती है और सेंटर में इसके जीरो होता है। अगर ये देखो ये क्या करती है, या तो इधर मूवमेंट करेगी या इधर मूवमेंट करेगी, और बीच में इसके जीरो होता है। इसलिए होता है क्योंकि ये डायरेक्शन दिखाती है कि करंट किधर से आ रही है, जिधर से करंट है वो उस साइड घूम जाएगी। अब अगर अपन बात करें कि कई बार जो अपना क्वेश्चन आता है उसमें तो यहां पर रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा, ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया और मैंने इस रेजिस्टेंस का नाम दे दिया आपको जेड। अब क्या करना है कि अपने पास ऐसा कोई एक क्वेश्चन दे देगा और P, Q, R, S और Z का भी मान दे देंगे। पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको चारों में से, अभी तो कितने हो गए, पांच हो गए, पांचों में से चार का मान देगा, P, Q, Z, R का वैल्यू दे दी, S की वैल्यू पूछ ले, तो अपने इस फॉर्मूले से निकालनी है, बीच वाला क्वेश्चन कोई काम भी नहीं आएगा जब अपने को कोई वैल्यू डिफाइन करनी है। तो अब अपने क्या करना है कि अगर सारों का मान दे दे कि P, Q, R, S और Z की वैल्यू दे देगा, और अपने क्या कहेगा कि दो टर्मिनल दे देगा, एक यहां पर दे दिया और बी यहां पर दे दिया, पूछेगा कि बीच में रेजिस्टेंस निकालो। तो इस प्रकार के दो क्वेश्चन बनते हैं। तो इस कंडीशन में अपने को ए और बी के बीच में प्रतिरोध निकालना है, वो कैसे निकालना है, तो देखें कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि अपने पास की ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लाना है। बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है कि इसको बैलेंस, मतलब तुल्य करना है इसको। कैसे करेंगे कि बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए क्या करेंगे अपन, कि जो आप इसी फॉर्मूले को वजन गुणा करके देंगे, तो पी बराबर, सॉरी पी एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। अगर पी और एस को गुणा करें और क्यू और आर को गुणा करें और दोनों का मान अगर बराबर आ जाए तो ब्रिज जो है वो आपका बैलेंस कंडीशन में होगा। अब बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि जो आपकी जेट ब्रांच है इसमें कोई भी करंट आपके पास नहीं होगी। तो मैं नीचे लिख देता हूं, बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि जेट ब्रांच में कोई भी करंट पास नहीं होगी। तो कोई भी करंट पास नहीं होगी, कब नहीं होगी, जब ब्रिज बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कब होगा, पी एस बराबर क्या होगा, क्या होगा, क्यू आर होगा। अब अगर आपने देखो कि इस ब्रांच से आपका कोई भी करंट आपका क्या नहीं कर रहा, पास नहीं कर रहा, तो अपन क्या करेंगे, इस ब्रांच को या तो आप शॉर्ट सर्किट कर लें या फिर इसको ओपन सर्किट कर लें। तो मैं लिख देता हूं कि जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तब हम जेड ब्रांच को ओपन या शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। बस इतना याद रखना है, कब अपने को ओपन या शॉर्ट करना है, आपको एक ट्रांस याद रखनी है कि दोनों याद नहीं रखनी, कि ओपन करना है या शॉर्ट करना है। आप एक ट्रांस लेके चलना, या तो आप हमेशा ही ओपन रखना या आप हमेशा ही शॉर्ट रखना,
जिससे आपको एक कंसेप्ट पकड़ में आ जाए। अगर आप दोनों ही रखना चाहते हो तो दिमाग में इम्पॉसिबल सा होता है कि ये चीजें याद रखना, नहीं तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ओपन के लिए भी करनी पड़ेगी और शॉर्ट के लिए भी करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि अपने को क्या करना है कि एग्जाम क्वालिफाइड करना है, इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक देखते हैं। तो इनमें से आप एक ही डाटा याद रखें, या तो आप हमेशा ओपन करना या हमेशा आप क्या करना, शॉर्ट करना। तो अभी अपन देखेंगे कि मैं तो दोनों चीजें बताऊंगा आपको कि ओपन कैसे करके एसओ निकालेंगे और शॉर्ट कैसे करके एसओ निकालेंगे। तो इस टाइम ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो आपको क्या करना है, बीच वाला आपको रिमूव कर देना है। तो मैंने बीच वाला रिमूव करना है तो मैं इसी डायग्राम में कर देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें और फिर मैं इसको रिमूव करके आपको स्क्रीन शॉट दिलवा देता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब आपके पास क्या होगा कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब इस कंडीशन में क्या करना होगा कि आपकी जो करंट है वो क्या करेगी, ये दोनों तो क्या करेंगे, सीरीज में होंगे, और ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में होंगे, फिर दोनों किसमें आगे, पैरेलल में आगे। तो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो ये कब बनेगा, जब आपको ब्रिज को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस कंडीशन लानी पड़ेगी। अब बैलेंस कंडीशन देखे कैसे आएंगे कि पी एस बराबर क्यू आर आएगा कैसे, वो अभी अपन एक क्वेश्चन के जरिए देखेंगे कि ये बैलेंस कंडीशन कैसे आएगा और दूसरा कि आपका अज्ञात प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के जो अभी अपन डिस्कस करेंगे। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखें कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बताए थे कि दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का और एक बनता है ए और बी के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करने का। तो अपने को याद करना है कि इसमें एक प्रतिरोध आपका मिस कर रखा है इसने, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। माना यहां से कोई भी वोल्टेज भी सप्लाई हो रही है तो कैसे निकालेंगे वो देखना कि यहां से अपने को ये बात याद रखनी है कि आपका जो ये रेजिस्टेंस है वो पी होगा और ये आपका क्यू होगा और ये आप आर होगा और ये इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। ज्यादातर जो आप वैल्यू पूछे जाते हैं वो हमेशा एस की ही पूछी जाती है क्योंकि 12th क्लास में सेम प्रैक्टिकल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, वहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज मैं बोलकर बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स के नाम से इसको जाना जाता है। ये 12th में प्रैक्टिकल है। तो अभी अपन क्या करेंगे कि उसमें जो आपका अज्ञात डाटा रहता है वो हमेशा एस ही रहता है, तो हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है वो एस को क्या मानता है, अज्ञात मान के चलता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला होता है पी ऑन क्यू आर ऑन एस, हो गया। अब क्या करेंगे, पी की वैल्यू कितनी है देखो, 2, क्यू की वैल्यू कितनी है, 6, आर की वैल्यू कितनी है, 3, और अपने क्या करना है, एस की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब अपन क्या करेंगे, बजर गुणा करेंगे, तो कितना हो गया आपका 2s इक्वल 18। तो अब देखो s की वैल्यू निकाली तो s बराबर कितना हो गया आपका 18/2 बराबर 9 ओम। तो ये आपका आंसर आ गया, आप अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बाय चांस सोच करें कि आपको S की वैल्यू मैं दी जाए, दे दी जाए, अगर R की पूछे तो भी क्या करना है, इसी फॉर्मूले से निकलेगी। तो ये सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व कर लिए जाते हैं। अगर अपने को एक प्रतिरोध मिस हो और सारे प्रतिरोध दिए जाए तो इन फॉर्मूलों से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अपने पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि दिए गए प्रश्न में ए और बी के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करें। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सेकंड टाइप का क्वेश्चन है और काफी अच्छा भी क्वेश्चन है, तो देखें कैसे करेंगे। अब देखो कि आपको मैंने पैरेलल और सीरीज का पढ़ाया था प्रतिरोधों में, तो इसमें न तो पैरेलल दिख रहा है और न ही सीरीज दिख रही है, तो समझ में नहीं आ रहा था अपन क्या करेंगे, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, तो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन एक मैं अच्छी तरह से करवा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करने की ट्राई करना। तो मानना कि अपने पास ये हमेशा अपना पी होता है और ये हमेशा क्यू होगा, ये आर है और ये आपका एस है, ये चार अपने प्रतिरोध देख लिए और बीच वाला आपका मान रखा होगा अपने जेड, जो काम का नहीं है, एक बार अपने
अब अपन देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बटा क्यू आर बटा एस, हो गया। अब मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाते टाइम कंडीशन बताई थी और मैंने देखो कंडीशन साथ में लिख रखी है, तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने को ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बैलेंस कंडीशन देखनी है कि ये बैलेंस है नहीं है, तो बैलेंस कंडीशन है नहीं है देखते हैं। तो बैलेंस कंडीशन चेक करने के लिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पी एस बराबर क्या हो रहा है क्यू आर हो रहा है, तो मैं वैल्यू करके देखता हूं कि बैलेंस कंडीशन है कि नहीं। देखो पी की वैल्यू चार, एस की वैल्यू चार, क्यू की वैल्यू चार और आर की वैल्यू चार, तो 16 बराबर क्या आ रहा है 16। तो देखो ब्रिज क्या है बैलेंस कंडीशन में है, तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो गया। तो देखो जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो जेड ब्रांच से कोई भी धारा पास नहीं होगी, मतलब जेड ब्रांच से कोई धारा चलेगी नहीं। जब चलेगी नहीं तो अपने को क्या मानना है इस ब्रांच को, या तो शॉर्ट सर्किट या फिर ओपन सर्किट। तो ज्यादातर जो बेटर रहता है वो रहता है ओपन सर्किट के द्वारा, मैं शॉर्ट सर्किट से बता दूंगा, पहले अपन इसको करते हैं ओपन सर्किट करके। तो मैंने इस ब्रांच को क्या किया, बैलेंस कंडीशन में होने के कारण इसको मैंने ओपन कर दिया, तो मैं ओपन कर लेता हूं इसको, तो मेरा डायग्राम जो बनता है वो इस प्रकार का बनेगा। देखो ओपन का मतलब होता है उसको वहां से रिमूव कर दो, हटा दो, ये लो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये चार ओम का, ये चार ओम का, ये चार ओम का, ये चार ओम का, कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़े इससे जो नेक्स्ट वीडियो था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस उसमें सेम निट्टो क्वेश्चन मैंने ये आपको करवाया हुआ है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो करवा लेते हैं एक बार, देखें कि यहां से एक टर्मिनल से धारा लेनी है, ये आयत वाला क्वेश्चन करवाया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो एक टर्मिनल से करंट दिया तो एक करंट यहां से चली गई, एक करंट यहां से चली गई, मतलब दो में टूट रही है, दोनों समांतर में है, पर समांतर तो तब पता चलेगा ना जब एक रेजिस्टेंस हो। देखो ये जो करंट है इसमें से होकर निकल रही है, इसमें से होकर निकल रही है, तो दोनों किसमें लिए है सीरीज में, और आपको बता रखा है कि सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है तो चार प्लस चार बराबर आठ, तो दोनों कितने हो गए आठ ओम के हो गए। इसी प्रकार नीचे वाला देख लेते हैं एक साथ है, कि ये जो करंट है इसमें से होकर निकलेगी, इसमें से होकर निकलेगी, तो आपस में ये क्या है सीरीज में, तो सीरीज में हो गई है, और सीरीज में बता रखा है कि 4 प्लस 4 इक्वल कितना हो गया 8, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है, हो गया। अब अपन बात करेंगे कि अपना जो डायग्राम बना है वो अपना डायग्राम किस प्रकार बनेगा, वो डायग्राम बनेगा एक यू और यू बन गया, ये ए टर्मिनल है और ये आपका बी टर्मिनल है, तो यहां पर आपका कितना ओम रेजिस्टेंस है, ये आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस है और नीचे भी आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मैंने बार बार एक चीज रिपीट की है कि जब समान मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो अपने को कुल रेजिस्टेंस आर ए बी आर बटा एन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है, आठ आठ क्या, तो एक आठ ले लो, कितने प्रतिरोध एक और दो, तो बटा दो बराबर चार ओम, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, कितना सिंपल क्वेश्चन हुआ ये। तो अपन ने क्वेश्चन किया शॉर्ट ओपन सर्किट करके, देखो मैंने ओपन कर रखा है ना, मैंने यहां पर लिख भी तो रखा है कि ओपन या शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो या तो आप ओपन कर लो या शॉर्ट कर लो। तो मैं एक चीज कहता हूं कि इसको मैं शॉर्ट करके दिखा देता हूं कि शॉर्ट से आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप देख लें कि शॉर्ट के द्वारा आंसर कैसे लेके आएंगे इस क्वेश्चन का। देखें कि अपने पास जो ये क्वेश्चन था ये बैलेंस कंडीशन में ऑलरेडी है, अपन ने चेक कर रखा है इसको, ये ए है ये बी है, इस बार अपने को बीच वाली ब्रांच, देखो जब अपना बैलेंस कंडीशन में होती है या तो ओपन किया तब तो ऐसा बन गया, अब अपने इसको शॉर्ट करके देखते हैं, जो बैलेंस कंडीशन में गया अपने चेक कर रखा है, तो ये अपन ने क्या कर दिया शॉर्ट कर दिया, ये साफ शॉर्ट कर दिया, ये वैल्यू लिख देता हूं मैं यहां पर, ये भी आपके कितनी है चार ओम की, ये भी चार ओम की, ये भी आपकी चार ओम की और ये भी आपकी
चार ओम का ओम का रेजिस्टेंस है। अब अपन ने शॉर्ट तो कर दिया, तो देखिए कैसे मानेंगे शॉर्ट कर दिया। देखो मैंने बताया था कि तीन ब्रांच आगे यहां भी होती है, तो ये सी पॉइंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सी पॉइंट कहां आएगा, ये सी पॉइंट यहां आ गया। तो अपने पास कितने पॉइंट बन गए, एक दो तीन पॉइंट बन गए, बन गए। तो अपन ने माना कि ए से सी, तो मैंने लिख दिया यहां पर ए सी बी, तीन पॉइंट बना लिए। क्यों सी को बीच में क्यों बनाया, क्योंकि सी देखो ए और बी ये बीच में आ रहा है। तो देखो ए से सी कितने का, चार का, ए से सी चारों का, ए से सी वापिस कितने का, यह हो गया ए से सी चार का, तो ये ए से सी भी कितने का, चार का। अब देखो सी से बी भी कितने का, चार का, सी से बी कितने का, चार का, और वापिस सी से बी भी कितने का, चार का, तो ये लो चार का, यहां तो हो गया। अब अपन बात करते हैं कि देखो ये दोनों समांतर में है, और समांतर में समान मान के हैं, तो आर और एन वाला फार्मूला लगा देंगे, तो लगा देंगे तो कितना आंसर आएगा, दो, और इसका भी कितना आएगा आपका दो, तो ये ए है और ये बी है, दोनों श्रेणी में है, तो कितना आंसर आएगा चार ओम। तो मेरा मानना है कि आप शॉर्ट सर्किट न करके आप हमेशा इसको ओपन सर्किट रखना, जो आंसर तो सेम ही आता है, पर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है दिमाग में कि कौन सा टर्मिनल कहां पर मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं मानना, डायरेक्ट आंसर आता है इसका, तो आप हमेशा इसको क्या करें, ओपन सर्किट माने, शॉर्ट सर्किट से हो जाता है, पर आपके दिमाग में ये रहेगा कि टर्मिनल माने कहां से जोड़े क्या करें। ओके, तो अभी अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने पीछे छोड़ के आया था मैं, और मैंने बोला था कि मैं जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाऊंगा उस टाइम वो क्वेश्चन करवाऊंगा, तो अपन उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर आपका पी क्यू आर और एस का मान समान है, माना चार चार ओम दे दिया, पी क्यू और आर और एस का मान चार चार है, तो आंसर भी कितना आएगा, चार ही आएगा। देखो आंसर चार आ रहा है, माना कितना पी कितना चार का, क्यू कितना चार का, एस कितना चार का, आर कितना चार का, तो पी क्यू आर एस अगर समान मान के हैं तो उत्तर भी कितना आने वाला है, उतना ही आने वाला है। अभी अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं जो मैं पीछे छोड़ के आया था, उसका आंसर आप खुद बताओगे कितना आंसर आएगा उसका। ओके, और वैसे मैं करवा भी दूंगा उसको, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चले आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने पीछे छोड़ के आए हैं, तो पीछे छोड़ के हैं वो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूं, जिससे आपको वो क्वेश्चन भी इजी तरीके से हो जाएगा, और ये नोट हमेशा याद रखना। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में पी क्यू आर एस का मान समान आ जाए, तो उत्तर भी उतना ही होगा जितना पी क्यू आर एस का मान है। देखते हैं कि अभी अपन ने जो पीछे क्वेश्चन छोड़ा था मैं वो करवाता हूं आपको, जिसमें आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे कि अपन ने पीछे जो क्वेश्चन छोड़ के आए थे वो इस प्रकार का क्वेश्चन छोड़ के आए थे कि ये एक कोई क्वेश्चन है, आप मेरा वो वीडियो देखे जिस बच्चे ने नहीं देखा, इससे पहले का जो वीडियो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला, उसमें मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा था, क्यों छोड़ा था बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन छोड़ा था, यहाँ पर सारे कितने ओम के थे, दो दो ओम के प्रतिरोध थे आपके। तो अब मेरे को यूं बताओ कि इसका आंसर कितना आने वाला है। देखो माना ये क्या होता है, पी ये क्यू
और ये R और ये S। तो देखो P Q R S की वैल्यू क्या आ रही है, समान आ रही है, दो दो आ रही है, तो इसका आंसर A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना आएगा आपका 2 ओम ही आने वाला है। अगर अपन देखो प्रूफ करके देखते हैं क्या वास्तव में 2 मार रही है ना, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं जैसे ये आपका 2 ओम ही आएगा कैसे, देखो एक बार तो अपन देखते हैं इसमें बैलेंस कंडीशन देखें, तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है, फॉर्मूला होता है P Q upon R S, बैलेंस कंडीशन P S बराबर Q R। तो P की वैल्यू कितनी है देखो 2, S की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2, 4 बराबर 4, ब्रिज इज बैलेंस, बीच वाला कर दो ओपन, तो बीच वाला ओपन कर दें तो अपना डायग्राम कैसे बनेगा, ये डायग्राम बन गया अपना। अब देखो ये कितने का 2 का, ये 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, अब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर कितना आने वाला है 2। कैसे देखो ये दोनों किस में है, यहां से करंट दे दी, यहां करंट के, ये दोनों किस में है सीरीज में, तो टोटल कितना हो गया सीरीज का, ये 4 का, और ये दोनों किस में है सीरीज में, तो कितने हो गए 4 का। तो आपका जो डायग्राम बन गया वो कैसा बन गया, ये 4 का, ये 4 का, ए और बी, तो ए और बी देखो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो अपने को पता है कि जब समान मान के पत्र इसमें जुड़े हुए हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं, तो आपका आर ए बी कैसे निकलेगा, आर ऑन एन से, तो आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 4, और एन कितने पत्र जुड़े हुए हैं 1 और 2, तो 2 का भाग लगा तो आंसर आएगा आपका 2 ओम। तो आपको याद रखना है कि P Q R और S में अगर समान मान के आ जाए तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका आंसर बता सकते हो 2 आएगा। इससे पहले अपन जो क्वेश्चन किया था वो P Q R S अपने कितने मान के लिए थे, 4 के लिए थे, तो आंसर कितना आया था 4 आया था। तो ये याद रखें कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर P Q R S का मान समान आता है तो आपका आंसर भी उतना ही होगा। अभी अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो क्या करेंगे कि P Q R S की जो वैल्यू है वो अपन अलग अलग लेके देखते हैं कि क्या होता है। ओके तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो अपना क्वेश्चन है वो अलग अलग वैल्यू का क्वेश्चन है, P Q R S की अगर अलग अलग वैल्यू आ जाए तो अपन व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, एक बार ध्यान रखना। देखो जो क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी, ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध ज्ञात करें, कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको अपन करना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया तो आपको इसके पॉइंट पता होने चाहिए कि पी कौन सा है, क्यू कौन सा है, आर कौन सा है और एस कौन सा है। तो अपन बता देता हूं मैं, ये कौन सा आपका पी क्यू आर एस, ओके पॉइंट। अब अपन क्या करेंगे, इसका अपना फॉर्मूला होता है क्या है, पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस, आपको याद होगा ये, तो अपन ने काफी क्वेश्चन भी कर लिए इस चीज के। अब अपन क्या करेंगे कि बैलेंस कंडीशन देखते हैं, क्या देखते हैं बैलेंस कंडीशन, क्या ब्रिज बैलेंस है या अनबैलेंस है, तो बैलेंस कंडीशन देखने के लिए देखो बैलेंस कंडीशन, तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है आपकी, पी एस बराबर क्यू आर हो रही है। तो अब अपन देखते हैं कि पी की वैल्यू कितनी है और क्यू की वैल्यू कितनी है, तो पी की वैल्यू कितनी है देखो 8, एस की वैल्यू कितनी है 3, क्यू की वैल्यू कितनी है 6 और आपकी आर की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए आर की आर 24, 6 × 4 = 24, तो मतलब क्या आ रहा है आपकी जो पी एस इक्वल क्यू आर की वैल्यू सेम आ रही है, तो ब्रिज क्या है आपका बैलेंस है, हो रहा है ब्रिज बैलेंस, तो ब्रिज बैलेंस होगा तो अपना क्या करेगा, जो बीच वाली ब्रांच है आपकी ये आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी या शॉर्ट हो जाएगी। तो ज्यादातर जो अपने को क्वेश्चन इजी तरीके से करना है वो हमेशा अपने को ओपन लेके चलना है, इसको शॉर्ट से भी कर सकते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन है वो मैंने बता रखा है,
तो ये क्वेश्चन क्या करेंगे अपन ओपन के द्वारा करके देखते हैं। तो देखें इस ब्रांच को ओपन करते हैं, क्यों करते हैं, बैलेंस होने के कारण इस सर्किट में या फिर इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो अपन इसका डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम कैसा बनेगा आपका, इस प्रकार का बनेगा। आप ही अपने साथ साथ में चलते रहे, मेरे नोटबुक में बनाते रहे, जिससे आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होते जाएंगे। तो ये क्या हुआ ए और ये आपका बी, ये कितने उनका है आठ का और ये सिक्स का, ये फोर का और ये थ्री का। डायग्राम देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो वापिस सिंपल डायग्राम बन गया है, तो इस डायग्राम को आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपको ये चीजें बता रखी है। तो यहां से क्या करेंगे, करंट के लिए करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो करंट दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक करंट यहां से गई यहां तक निकली, तो दोनों किसमें ये आपके सीरीज के अंदर है। तो ये हुआ आपका सीरीज। तो सीरीज में क्या करते हैं, जब रेजिस्टेंस सीरीज में एड होते हैं, सीरीज में क्या करते हैं ऐड करते हैं, सीरीज में क्या करते हैं रेजिस्टेंस ऐड होता है। तो 8 प्लस 6 कितना हो गया, 8 प्लस 6 14। अब बात करें इसके बारे में, तो ये दोनों भी किसमें आपके सीरीज में, और सीरीज में वापस क्या करेंगे, ये भी तो ऐड हो गए, 4 प्लस 3 इक्वल 7। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन एक डायग्राम और बनाएंगे, इन दोनों को मिलाकर अपने एक रेजिस्टेंस बनाया है, इन दोनों को मिलाकर अपने एक 7 ओम का बना दिया। तो अपना जो डायग्राम बनेगा वो देखें कि इसके बाद आप यहां पर आओगे और यहां से देखो क्या होगा कि जो डायग्राम बनेगा वो आपका डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। देखो ऊपर वाला और ये वाला नीचे वाला, तो ऊपर कितने ओम का हो रहा है, देखो 14 का, नीचे वाला कितने का हो रहा है 7 का। अपने क्या करना है ए और बी के बीच निकालना है, तो दोनों देखो प्रतिरोध है, वो दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में कनेक्ट है, तो देखो अलग अलग मान के है। तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं, या तो 1/R1 + 1/R2 से कर लो, नहीं तो अपन कैसे कर सकते हैं, एक जब दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में जुड़े हैं और अलग अलग वैल्यू के हैं, तो उनको एक डायरेक्ट मैटर के द्वारा करते हैं, कैसे दोनों का गुणा R1 × R2 R1 + R2। तो कितना हो गया आपका, R1 की वैल्यू कितनी है 14 इंटू R2 की वैल्यू 7 और 14 और 7 आपके कितने हो गए 21, ये लो हो गया यहां तक। अब देखो कितने पे कट रहा है, एक पे, और ये कितने पे कट रहा है 3 पे, तो आपकी R A B की वैल्यू जो आई है 14/3, आप इसको भी आप काट सकते हो, कितने पे कट रहा है 3 × 3 12 पॉइंट बच गया, 6 × 18 होते हैं, वापिस 2 बच गया, वापिस कितना आएगा वैल्यू 6 में चलता रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, वैल्यू आपकी 6 में रन कर रही है, तो अपन क्या करेंगे 6 की जगह अपन क्या कर देंगे 7 कर देंगे, आपका आंसर आ गया। क्योंकि जब संख्या रिपीट होती है तो उससे एक संख्या छोड़ के एक बढ़ा के लिख देते हैं। ओके, तो अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे अपन देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करके देखिए। वापस वही क्वेश्चन है कि ए एंड बी के बीच में अपने को रेजिस्टेंस इसका निकालना है, तो कैसे निकाले वो देखते हैं। तो ये अपने को एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये आपको पिटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है, पहले आप देखो, तो आपको नहीं लग रहा होगा कि हम ये पिटस्टोन ब्रिज पर, अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित रूप से करना पड़ेगा इसको, इसको खोले तो सही। तो ब्रिज को अपन खोले, तो मैंने क्या किया कि इस वायर को इधर खींच दिया, इस वायर को मैंने इधर खींच दिया, तो अपना जो डायग्राम बनता है वो किस प्रकार बनेगा देखो। तो ये मैं इसको इधर खींचूंगा तो ये बीचों बीच आ जाएगी, 100 ओम वाली लाइन बीच में आ जाएगी। तो वैसे वही करना है कि पहले तो मैंने क्या करना है, इसको खोल रहा होना है, तो खोला कैसे, ये लाइन यहां पर थी, ये वाली 12 ओम की, और ये एक इधर है आपकी 9 ओम की, ये 9 ओम की, मैंने इसको खींच के इधर लिया, ये इधर आ गया, तो ये आ गया आपका 8 ओम हो गया, ऊपर आपका 12 ओम का है। अब अपने क्या करना है, जो ये बीच वाली लाइन, ये आपकी लाइन है 100 ओम वाली, ये आपकी बीचों बीच आ जाएगी, ये लो यहां तक आया समझ में। अब अपन इसको खींच के उधर लेके गए, तो ये पोर्शन कहां चला गया आपका, यहां पर आ गया। अब आपको ये वीडस्टोन ब्रिज की आकृति दिखाई दे रही होगी,
दिखाई। अब क्या करना, वैल्यू लिख लेते हैं, 12 का ये नौका है, ये आपका ऊपर वाला कितने का है, 4 ओम का है, और ये नीचे वाला कितना आपका 3 ओम का है, और ये बीच वाला आपका 100 ओम का है। तो अपने क्या करना है, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, इसकी बैलेंस कंडीशन देखनी है, क्या ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। तो माना अपने पास ये तो है पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। तो अपने को एक चीज पता होना चाहिए कि बैलेंस कंडीशन है पी एस बराबर है क्यू आर होता है। तो आप मल्टीप्लाई करके देखें पी और एस को, देखो 12 + 36 होते हैं ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें क्यू और आर को, तो 9 + 36 मतलब बराबर ही आ रहा है डाटा। तो ब्रिज कैसा होगा आपका, बैलेंस नहीं। कैसे, पी का मान वैल्यू 12, एस की वैल्यू 3, क्यू की वैल्यू आपकी 4 और आर की वैल्यू आपकी 9, तो क्या आ रहा है 36 = 36 है। ब्रिज कैसा आपका बैलेंस कंडीशन में है, तो लिख लेते हैं ब्रिज बैलेंस। तो ब्रिज बैलेंस होगा तो आपकी 100 ओम वाली ब्रांच जो है वो क्या हो जाएगी, ओपन या शॉर्ट हो जाएगी। तो अपन ज्यादातर जो क्वेश्चन करने हैं वो ओपन करके करते हैं, अब अपन बीच वाली ब्रांच को ओपन कर देते हैं। तो ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगी वो देख ले। तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, वो आपका डायग्राम बनेगा वो यू बनेगा। ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, और ये 12 का है, ये 4 का है, ये 9 ओम का है, और ये आपका 3 ओम का है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि सिंपल क्वेश्चन बन गया, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये अपने को पता है, इतनी बार मैंने इसको समझा दिया कि ये दोनों रेजिस्टेंस इसमें है, सीरीज में है, तो 12 + 4 बराबर कितने आ गए आपके 16 ओम आ गया, कोई दिक्कत है। ये देखो 9 और 4 कितने हो गए आपके 12 हो गए। तो अपना जो डायग्राम बना है वो किस प्रकार का बन गया, कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो तो है आपका कितने ओम का, 16 ओम का, ये देखो 16 ओम का हो गया। नीचे वाला कितने का आपका 12 ओम का, ये ए और बी। अब अपने को ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो अपने को पता है कि किस प्रकार से अपने इसको फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, अपना जो फार्मूला होता है वो होता है आर ए बी बराबर दोनों का गुणा। तो 16 × 12 अपॉन 16 और 12 आपका कितना होता है 28 होता है, हो गया। अभी अपन क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो कितने पे कटा, ये 4 के पारे से काटेंगे तो ये आपका कटका कट गया कितने पे, ये 4 के पारे से कटे तो 7 × 28 7 पे कट गया, और ये आपका कितने पे गया 3 पे गया। तो 16 किया 48 अपॉन 7, जब हम 48 में 7 का भाग लगाएंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो कितने पे गया 6 × 7 = 42 पॉइंट लगा दिया, और कितना बच गया आपका 6 बच गया, पॉइंट के कारण 0 आया, और कितना हो गया 60, 7 × 56 4 बच गया, 5 में जाएगा के, तो ये कितना गया 6.85 ओम आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप इसको सॉल्व करके देख ले एक बार, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो अपने क्वेश्चन थे व्हीटस्टोन ब्रिज के वो अपन ने कंप्लीट किए हैं। जो आगे वाला क्वेश्चन होगा उसमें अपन देखते हैं कि यहाँ पर तो मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं वो आपके क्वेश्चन क्या कर रहे थे, बैलेंस हो रहे थे। अब सपोज करो कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा तो क्या होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन देखते हैं कि ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में नहीं हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब अपन देखते हैं ये सेम क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही आपको दिखाई देता है, पर देखते हैं कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज क्या अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो देखें एक बार कि अपने पास ऐसी आकृति दिखाई देगी तो अपन कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यहाँ पर ये वैल्यू है, ये पी की है, ये क्यू की है, ये आर की है, और ये एस की है। यहाँ तक तो अपने को अच्छी तरह से रट चुका है क्योंकि अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे कि ये ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है वो अपन देखते हैं। तो देखते हैं कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि पी एस बराबर क्या होता है आपका क्यू आर होता है। अगर इन दोनों का डाटा अगर बराबर आ जाए तो ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में होगा। तो देखें कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है या नहीं।
तो अपने पास P की वैल्यू कितनी है 3, S की वैल्यू कितनी है 2, Q की वैल्यू कितनी है 1 और R की वैल्यू कितनी है 3। तो कितना हो रहा है वैल्यू देखिए कितनी निकल रही है अपनी, यहां से देखो 3 × 2 = 6, 1 × 3 = 3। क्या आपकी P S बराबर Q R वैल्यू आ रही है क्या? तो नहीं आ रही ना, क्योंकि 6 बराबर 3 आ रहा है, तो ये बराबर है नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो अपना ब्रिज क्या हो गया आपका, ब्रिज हो गया आपका अनबैलेंस। अब ब्रिज अनबैलेंस हो गया तो इसका कहने का मतलब है कि आपका जो स्टार डेल्टा सॉरी जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है वो अनबैलेंस हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका यहां पर अनबैलेंस होने का मतलब है कि वो फेल हो गया है। अब यहां पर आप व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशनें अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन क्या व्हीटस्टोन ब्रिज से होगा? कभी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को किससे करेंगे वो ध्यान से सुनना कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो आप एक बार नोट डाल के लिख दे इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टार डेल्टा पढ़ा जाता है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो अपना होने वाला है स्टार और डेल्टा। जब अपन स्टार और डेल्टा पढ़ लेंगे तब अपना ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये काफी डाउट रहता है कि सर अगर इक्वल नहीं आए, तो क्लास में मेरे से ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट में सर अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, बच्चा बीच में कन्वर्ट पूछता ही है। तो ये कब होगा, जब आपका स्टार डेल्टा हो जाएगा तब ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके बाद जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा स्टार डेल्टा। ओके, इस चैनल पर आपको जितने भी टेक्निकल थ्योरी में जो पोर्शन है वो सब कुछ करवाया जाएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।